जय जय माता दी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही विश्वसनीय और शक्तिशाली वशीकरण मंत्र के चैनल असली वशीकरण मंत्र में। आज मैं आपको बहुत ही गुप्त और बहुत ही अचूक प्रयोग बताऊंगा। यह प्रयोग उन लोगों के लिए बहुत ही असरदायी है और कारगर रहेगा मित्रों, जिन्हें अपने प्रेम से ही शादी करना है, जो अपने प्यार को खोना नहीं चाहते और उसके बिना जिंदगी को गुजारना नहीं चाहते। कहने का अर्थ यही हुआ कि पूरी जिंदगी सिर्फ उसी के साथ चाहते हैं। तो इस उपाय को जरूर कीजिए, सिर्फ समर्पण और श्रद्धा दीजिए आप इस उपाय को। बाकी मंत्र की शक्ति और इस उपाय की शक्ति से आपका प्यार जरूर मिलेगा। करना क्या है यह अद्भुत और अचूक प्रयोग, इसे ध्यान से सुनिए। इस विधि को शनिवार की रात्रि से प्रारंभ करनी है। शनिवार की रात्रि से प्रारंभ करके निरंतर 10 दिनों तक करनी है और इन 10 दिनों तक करने पे आपको सामने आपके ऐसे परिणाम दिखेगा कि खुद ब खुद आपकी शादी उससे होने के लिए योग बनेगा। तो कैसे करना है, अगर इस प्रयोग को कर देंगे तो किस तरह से यह कार्य करेगा यह भी जान लीजिए। अगर आपका प्यार अर्थात प्रेमी हो या प्रेमिका, वह तो मान गए हैं, किंतु अगर आपको समस्या उसके घर और परिवार से हो रहा है, उसके मम्मी और पिताजी से हो रहे हैं, तो याद रखिएगा यह संपूर्ण रूप से उससे जुड़े हुए अर्थात जो भी रिश्ते उनसे जुड़े हुए हैं उनके ऊपर असर करता है, उनके कार्मिक लेयर को और उनके रक्त से संबंधित जितने भी चीज़ें जुड़ी हुई है, चाहे प्रेमी हो या प्रेमिका हो, उसके मनो और उसके व्यवहार पे पूर्ण रूप से परिवर्तन लाता है और सकारात्मक प्रभाव डालता है, चाहे भाई हो, माता पिता हो, बहन हो, जो आपके खून से जुड़े हुए हैं। तो इस विधि को कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप संपूर्ण परिवार का और उसके संपूर्ण घर बार को अपने ओर कर रहे हैं। करना क्या है, शनिवार की रात्रि से सबसे पहले याद रखिएगा, एक गिलास पानी लेनी है, प्रेमिका की फोटो लेनी है और बीज मंत्र जो आपको डिस्प्ले में शो हो रहा है, ओम क्लीम ओम क्लीम, यही उच्चारण करना है 15 से 20 मिनट। संख्या की जरूरत नहीं है, पानी सामने रखिए, फोटो को देखते हुए जाप कीजिए। यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक तो ओम और दूसरा क्लीम, इस दो बीज रूपों में शक्तियां जो छुपी हुई है, समाई हुई हैं, वही जागृत होगी और वही आपके लिए संपूर्ण रूप से कार्य करेगी। यह गुप्त भेद आपको तभी समझ में आ पाएगा मित्रों, जब आप परिणाम को अपने आंखों के सामने देखेंगे बदलते हुए, क्योंकि इनके अंदर की जो शक्तियां हैं बीज मंत्र के अंदर, जैसे कि एक छोटे से बीज में बहुत बड़ा पेड़ छुपा होता है, उसी तरह हमारे सिद्धों ने इन बीजों में ऐसी ऐसी चीजें छुपा कर रखी हुई है, जब हम उन शक्तियों को आह्वान करते हैं और बोलते हैं तब हमें वह दिखता है, तब हम जान पाते हैं रहस्य को, अन्यथा यह रहस्य हमसे हमेशा छुपा रहता है। तो अभी मैंने यह गुप्त रहस्य आपको बता दिया है और इसे कर लेने के बाद आप सोचेंगे कि उससे शादी नहीं करें तो माफ कीजिएगा, क्योंकि आपको शादी उससे होनी ही है, चाहे आप भागेंगे तो भी और कहीं छुपेंगे तो भी आपकी शादी उससे ही होनी है। तो इस प्रयोग को सोच समझ कर करिए, फिर भी कहीं समझ में ना आए तो व्हाट्सएप या मैसेज करिए। जय जय माता दी मित्रों।